गुड इवनिंग क्लास, आर रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड. प्लीज मेक योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स. सो सभी लोग आप अपना अटेंडेंस बना दीजिए चैट बॉक्स में. सो इसे पिछले क्लासेस में, बीच में हमारी क्लासेस नहीं हुई थी, आपकी आपका एक टेस्ट हुआ होगा. तो इससे पिछले क्लासेस में जैसा कि मैंने आपको बताया था, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 का हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 का हमने रिवीजन किया था लास्ट क्लास में, और बीच में आपका टेस्ट हुआ. तो आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज के क्लास में हम चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13, सर्कल, पैरामीटर एंड एरिया एंड चैप्टर नंबर 13 दैट इज पैथागोरस थ्योरम, ये तीन चैप्टर्स आज हम ब्रीफ में देखने वाले हैं, मीन्स रिविजन करने वाले हैं, सर्कल, पैरामीटर एंड एरिया और पैथागोरस थ्योरम का. तो चैट बॉक्स में आप मुझे कंफर्म करें कि मेरी स्क्रीन आपको अच्छे से दिख रही है, नहीं दिख रही है, और मैं वॉइस इज ऑडिबल क्लियरली और नॉट. प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स डेट माई वॉइस इज ऑडिबल एंड द स्क्रीन इज विजिबल टू यू क्लियरली. यस, ओके ओके, यस. हाँ, बीच में क्लास टेस्ट हुई थी, फिर ये तीन चैप्टर्स आपका होगा, तो फिर आपका ये तीन चैप्टर्स का एक क्लास टेस्ट होगा, आपको इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा. ओके, सो आज का हमारा क्या टॉपिक है, सर्कल, सर्कल के बाद पैरामीटर एंड एरिया और चैप्टर नंबर 13 पैथागोरस थ्योरम, तीनों हमारा ज्योमेट्री का पोर्शन है. तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में देखेंगे. तो सर्कल क्या होती है, सबसे पहले हम सर्कल के में तीन चीज का रिवीजन करते हैं, रेडियाई, कोड और डायमीटर. रेडियाई, कोड और डायमीटर. तो अगर एक कोई पॉइंट यहाँ पे फिक्स है, इस पॉइंट से यहाँ पे एक पार्टिकुलर डिस्टेंस लो, यहाँ से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस लो, ओके, और इस पे अगर आप रोटेट करोगे, तो इस पे अगर हम रोटेट करेंगे तो क्या एक बन जाएगा, एक यहाँ पे हमारा सर्कल का फॉर्मेशन हो जाएगा. सो यहाँ पे जो ये दिस पार्ट ये सब क्या कहलाएगी, ये सब कहलाएगी रेडियस. ये क्या कहलाएगी, रेडियस मीन्स सेंटर से जो सर्कमफेरेंस पे जो लाइन जाती है डेट इज कॉल्ड एज रेडियस. अब इसके बाद क्या है, पहली क्या होगी रेडियस, सेकेंड इज कोड. तो कोड क्या है, जैसे ये सर्कल है तो यहाँ से यहाँ अगर हम अटैच कर दिए तो ये हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे. तो ई सी इज कोड, ए डी इज कोड, ओके, सी एफ एंड ए बी इज ऑल्सो कोड, बट सी एफ एंड ए बी इज ऑल्सो डायमीटर. तो अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी कोड क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, डायमीटर. ओके, एंड डायमीटर इज वाट, ये सेंटर से ये वाला जो ए बी है, दिस इज कॉल्ड एज डायमीटर. ए बी इज डायमीटर एंड एफ सी इज ऑल्सो डायमीटर इन दिस फिगर. तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस क्या होती है, इसका हम ये हम जानते हैं कि व्हाट इज सर्कमफेरेंस. तो यहाँ पे आपके घर में इस तरीके का एक बोतल होगा, इस बोतल पे आप क्या करोगे, थ्रेड से चारों ओर आप थ्रेड से क्या करोगे, इस बोतल को ऐसे चारों ओर ऐसे कर दोगे, चारों ओर थ्रेड से बांध देना, ओके, और फिर इस थ्रेड को आप क्या करना, स्ट्रेट कर देना, इस थ्रेड को आप स्ट्रेट कर देना, और स्केल से इसे मेजर करोगे, और इसे आप स्केल से मेजर करोगे. तो लेट अस सपोज स्केल से मेजर करने के बाद ये क्या आया, 15 सेंटीमीटर. मीन्स यहाँ पे जो आपने ये आपने इस डब्बे का जो बाहरी पोर्शन को जो मेजर किया, उसकी लंबाई क्या है, 15 सेंटीमीटर. तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. दिस इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. इसी तरह हम आगे हम पेरीमीटर पढ़ेंगे, तो उससे हम इसे कोरिलेट करेंगे. अब हमने क्या पढ़ा था, सर्कम रिलेशनशिप बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर. सर्कमफेरेंस और डायमीटर के बीच में क्या होती है, एक रिलेशन होती है. तो यहाँ पे ये हमने एक एक्टिविटी की हेल्प से समझा था कि आपने क्या किया, घर में आपने बैंगल लिया, एक सर्कुलर डिस्क लिया और एक लीड ऑफ अ जार, किसी डब्बे का आपने क्या किया, ढक्कन लिया. तो आपको क्या करने हैं, सारे के सेंटर पॉइंट्स निकालने हैं और सेंटर पॉइंट से सारे के डायमीटर फाइंड करने हैं. तो पहला जो बैंगल है उसका आपने डायमीटर कितना फाइंड किया, 6 सेंटीमीटर. इसी तरह सर्कुलर डिस्क का ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से दोनों ओर जो स्ट्रेट लाइन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं.
तो यहाँ भी इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ पे इसकी लेंथ समथिंग आए, और इसी तरह जार का जो ये डायमीटर है ये भी कुछ पार्टिकुलर लेंथ आए। ओके, इसी तरह हम सर्कमफेरेंस को भी मेजर कर सकते हैं, जैसे हमने डब्बे के केस में किया। तो हम इस बैंगल के चारों ओर एक एक थ्रेड अगर डाल दें तो हमें इस बैंगल की क्या लंबाई है हमें मालूम चल जाएगा। इसी तरह ये प्लेट है, ये डिश है, इसके भी चारों ओर अगर हम एक थ्रेड से ऐसे कर दे तो हमें मालूम चल जाएगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस डिश। तो ओवरऑल हमें क्या पता चल गया, हमें सर्कमफेरेंस मिला और हमें क्या मिली, डायमीटर। ओके, तो अगर आप ये तीनों केसेस में सर्कमफेरेंस और डायमीटर का अगर आप रेशियो निकालोगे तो सारे केस में कितनी आती है, 3.16 के अप्रॉक्स, 3.16 के अप्रॉक्स। ओके, सो दिस 3.16 इज कॉल्ड एज पाई, इसे हम एक पाई से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे दो फॉर्मूला है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 times रेडियस, डायमीटर क्या होती है रेडियस का 2 गुना होती है, एंड सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। ये हमने ये जो अभी आपने एक्सपेरिमेंट देखा इससे हमने निकाला, ऑब्जर्वेशन से हमने निकाला कि सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, वेयर c इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, 2 इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.16, और आप इसे 22/7 भी लिख सकते हो, एंड द वैल्यू ऑफ r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो सर्कल का जो रेडियस है दैट इज द स्मॉल r। तो जैसे कि हमने पहले वाले यहां से 2r डायमीटर को क्या आप लिख सकते हो 2r, तो यहां पे 2r के जगह पे हम क्या लिख दिए, हमने डायमीटर लिख दिया। सो 2πr इज ऑल्सो रिटन एज πd। तो यहां पे हमारे पास तीन फॉर्मूले हुए, मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ, ये अभी हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है। सो यहाँ पे हमने तीन फॉर्मूले देखे, सबसे पहले डायमीटर इज इक्वल टू 2 times रेडियस, डायमीटर इज इक्वल टू 2 times रेडियस। सेकेंड फार्मूला इज व्हाट, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2r, इसे हम ऐसे भी 2r into pi लिख सकते हैं। 2r is what? 2r की वैल्यू क्या है? 2r is equal to d. Okay. So इसे आप क्या लिख सकते हो? pi into d. तो circumference is equal to 2πr is equal to pi d. So यहाँ पे हमें कितने फॉर्मूले, हमें यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आई है। सबसे पहला रिजल्ट है डायमीटर क्या होती है, रेडियस की 2 times होती है, एंड सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr दैट इज इक्वल टू पाई डी। तो ये आप अपने नोटबुक में लिख लें, मैं आपको फटाफट अभी क्वेश्चन बनाने देता हूं। यस, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, वेरी गुड, एंड c इज इक्वल टू 2πr, गुड गुड, यस। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बनाने देता हूं, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिस इज अ सर्कल, ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल की कुछ सेंटर पॉइंट है, दिस सेंटर पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज ए, द लेंथ ऑफ दिस ओ इज, द लेंथ ऑफ दिस ओ इज 14, ओके, सो फाइंड सर्कमफेरेंस, यू हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। सो फटाफट आप आंसर चैट बॉक्स में लिखे, एक सर्कल यहाँ पे आपको दी गई है, एक सर्कल यहाँ पे आपको दी गई है, सर्कल क्या है O, एक सर्कल है जिसकी सेंटर पॉइंट है O और A एक पॉइंट यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे है। सो A, OA इज व्हाट, OA इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल दैट इज इक्वल टू 14 units, यहाँ पे मैं मीटर सेंटीमीटर फिलहाल नहीं लिखा हूँ, तो OA इज 14, सो यू हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस। तो मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होती है 2πr, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होती है 2πr, सो 2 को आप, 2 इज कांस्टेंट तो 2 को आप एज इट इज लिखोगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ओके, पाई का आप 22/7 लो या 3.14 लो, अगर 22/7 को आप डिवाइड करोगे तो इट इज इक्वल टू 3.14, एंड द वैल्यू ऑफ r इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ r इज 14,
आर की वैल्यू क्या है 14, ओके। सो 22 अपॉन 7 इंटू 14, सो इट विल इक्वल टू व्हाट, 7 टू जा 14 एंड 22 इंटू 22 इज 2 इंटू 22 इज 44 एंड 44 टू जा 88। सो द आंसर इज 88 यूनिट। मीन्स इस सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या है 88 यूनिट। मीन्स कहने का मतलब अगर आप इस ए पॉइंट से आप चलना स्टार्ट किए इस डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए और वापस फिर ए पॉइंट पे आ गए, ओके, तो आपने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपने 88 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया। दैट इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, ओके। होप आप लोगों ने भी चैट बॉक्स में आंसर किए होंगे। यस 44 इज आई थिंक 88 इज राइट आंसर, ओके। 44 आपका आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने ट्राई किया, वेल ट्राइड, वेरी गुड। वन आंसर इज 44 एंड सेकेंड आंसर इज 88, सो 88 इज द राइट आंसर, ओके। सो हम देख आगे चलते हैं, अब हम आर्क ऑफ द सर्कल के बारे में देखते हैं कि सर्कल की आर्क क्या होती है। एक मिनट, यस हाँ, सर्कल की आर्क के बारे में अभी हम जाने। आई एम कंफ्यूजिंग, यस प्लीज आस्क योर क्वेरी। आप अपना माइक ऑन करके पूछें कि आपको क्या दिक्कत है। यस प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर क्वेरी। सर यस सर, 88 कैसा आ गया आंसर, आप फिर से एक बार करके दिखाएंगे क्या? ओके ओके, यस आई एम कंफ्यूजिंग इन दिस स्टेप। अच्छा अच्छा ओके, चलिए मैं फिर से बताता हूँ। यस तो आपको, हाँ मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ। यस सो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। मैंने क्या लिखा 14 सेंटीमीटर, लेट अस सपोज दिस इज 14 सेंटीमीटर। अब हम पिछले फॉर्मूले पे चलते हैं, हमें क्या फाइंड करने है, हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करने है, वी हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे सर्कमफेरेंस फाइंड करने है और यहाँ पे दिया क्या गया है, दिया है यहाँ पे रेडियस। तो रेडियस वाला कौन सा फॉर्मूला है, 2 पाई आर, मीन सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो हम इस फॉर्मूला को लेके आगे प्रोसीड करेंगे। सो यहाँ पे सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होती है, 2 पाई आर, ओके। सो 2 रिमेन एज इट इज, पाई के जगह पे आप क्या लिखोगे, पाई इज इक्वल टू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू आप याद कर लो, पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, ओके। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो इट इज इक्वल टू 3.14। तो यहाँ पे 22 अपॉन 7 इस पाई के जगह पे लिखूं या 3.14 लिखूं, बोथ आर सेम, बट यहाँ पे मैं 22 अपॉन 7 लिखना मैं चाह रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो हमारा कुछ चीजें क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। तो मैं पाई का वैल्यू यहाँ पे लिखा 22 अपॉन 7, ओके। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 14, ओके। द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन एज 14। तो मैं अभी से कैंसिल करता हूँ, 7 जा 7, 7 टू जा 14, तो ऊपर में कितनी क्वांटिटी बटी है, बची है 2 इंटू 22 इंटू 2, सो 22 इंटू 2 इज 44, 44 टू जा 88 सेंटीमीटर इज द आंसर। मीन्स अगर आप इस सर्कल के सर्कमफेरेंस ए पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करोगे और ऐसे चलते चलते फिर आप इस ए पॉइंट पे वापस आ जाओगे तो आपने कितने सेंटीमीटर ट्रैवल किए, आपने 88 सेंटीमीटर ट्रैवल किए। होप अब आपका ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर आया। यस निधि, ओके आप समझ गए, ओके ओके, यस यस यस, वेरी गुड। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आर्क ऑफ द सर्कल क्या होती है। तो इसके लिए मैं फिर से लाइव में
व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अभी हम क्या समझने वाले हैं? अभी हम समझने वाले हैं आर्क। आर्क क्या होती है? ओके, एक मिनट। अभी हम समझने वाले हैं कि आर्क क्या होती है। ए आर सी मीन्स आर्क। ओके, तो ये क्या है? हमारा एक सर्कल है। ये हमारा क्या है? एक सर्कल है। ओके, तो इस सर्कल को अगर हम क्या करें, दो पार्ट में स्प्लिट कर दें। दो पार्ट में मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ पे ये सर्कल क्या होगी, दो टू पार्ट में ये सर्कल क्या होगी, ये स्प्लिट हो गए। मैं फिर से स्प्लिट करके दिखाता हूं। हाँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सर्कल क्या होगी, टू पार्ट में स्प्लिट हो गई। मैं दूसरे वाले पार्ट को कुछ अलग कलर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, यहाँ पे इस सर्कल को मैंने टू पार्ट में स्प्लिट किया, तो आपको जैसे देखने से लग रहा होगा कि ये वाला पार्ट, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, दिस पार्ट इज ए एंड द लोअर पार्ट इज बी। ओके, सो ए और बी में कौन सा बड़ा है, ए और बी में कौन सा बड़ा है? आप चैट बॉक्स में आंसर लिखे, विच वन इज ग्रेटर, ए और बी, देखने में आपको कौन बड़ा लग रहा है? टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स, विच वन इज ग्रेटर, ए और बी। वेरी गुड, ए पार्ट इज बिगर, वेरी गुड। ए यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो मैं ए के तरफ ऐसा वाला साइन दे देता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी। सो जो बड़ा वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, जो बड़ा वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे मेजर आर्क। उसे हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। मेजर का मतलब ज्यादा, जैसे गवर्नमेंट बनती है तो क्या बोलती है, जो मेजोरिटी में जो रहती है उसकी सरकार होती है। ओके ओके, और ये छोटा वाला पार्ट क्या हो गया, माइनर आर्क। छोटा वाला पार्ट क्या हो गया, माइनर आर्क। बड़ा वाला पार्ट को आप क्या बोलोगे, मेजर आर्क, और छोटे वाले पार्ट को क्या बोलोगे, माइनर आर्क। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्क का पोर्शन हो गया। ओके, बड़ा वाला पार्ट को हम मेजर बोलेंगे और छोटे वाले को माइनर बोलेंगे। अब हम आगे चलते हैं, आपके बुक पे हम चलते हैं। यहाँ पे आपके बुक में कुछ डिफिनेशंस वगैरह भी दी हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे इस फिगर में दिया गया कि ये आर्क यहाँ पे बीच में मिडल पॉइंट पे आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगी, मैं आपको, हाँ जैसे एक और हम केस लेते हैं। ओके, इस केस में क्या है कि जो हमारा क्या था, हमारा आर्क जो था वो एकदम ये सेंटर लाइन पे है, तो उस केस में क्या होगा, हमें दो दो सर्कल प्राप्त होगी, हमें क्या मिलेगी, दो डिफरेंट सर्कल मिलेगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। इसे हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। मीन्स एक सर्कल कंप्लीट था, उसे आपने क्या किया, टू पार्ट में क्या किया, स्प्लिट किया। सो दिस इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल, दिस इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल। अब हम देखेंगे सेंट्रल एंगल के बारे में। अभी हमने आर्क के बारे में जाना, अब हम जानेंगे सेंट्रल एंगल क्या होती है। सेंट्रल एंगल क्या होती है, तो जैसा नाम से आपको दिख रहा है, सेंट्रल का मतलब बीच का कुछ आपको लग रहा होगा, सेंट्रल का मतलब कुछ मिडल से है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ किया, एक मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ किया, और हम क्या लेते हैं, अब हम एक, हम यहाँ पे रेडियस, हाँ हमने क्या किया, दो रेडियस लिया। ओके, तो ये वाली जो एंगल है, ये वाली जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल बोलेंगे। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। ये क्यों क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटर है, ओ ए बी मीन सेंटर और रेडियस से बीच रही के बीच में बन रही है, तो इसे हम सिंपली क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। तो आपके बुक में भी देख लेते हैं कि क्या ये क्या है। तो अब यहाँ पे माइनर आर्क और मेजर आर्क का यहाँ पे मेजरमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर इस सर्कल, हाँ तो अगर हम इस सर्कल को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, तो ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसा बनेगा, और नीचे वाला पार्ट क्या बनेगा, नीचे वाला पार्ट कुछ ऐसा बनेगा। ओके, इस सर्कल को जो हमारा राइट साइड में था उसको मैंने क्या किया, अलग अलग करके लिखा। तो ऊपर ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट, और ये क्या है, नीचे वाला पार्ट। ओके, तो हाँ, तो ये क्या है,
तो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, तो इसकी एंगल क्या होगी, ये होगी, और इस वाले पार्ट का एंगल क्या होगा, ये होगा। ओके, सो मींस यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट से जो एंगल बनती है वो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके ये बुक में दिखाया गया है, तो मेजर ऑफ माइनर आर्क एंड द मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क, मीन्स ये वाली, ये क्या थी, हाँ ये यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे मेजर आर्क है, क्योंकि ये यहाँ से ये वाला पोर्शन क्या है, बड़ा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मेजर आर्क, और ये वाली पोर्शन क्या है, छोटी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। ओके, तो यस, ओके, नो प्रॉब्लम, यस, टू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड सेमी सर्कल, यस। सो ये हमने मेजर आर्क और माइनर आर्क का मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, और इसी तरह सेमी सेमी सर्कुलर आर्क और मेजरमेंट ऑफ सर्कल के बारे में भी यही चीज है। आप बुक में और भी डिटेल्स में देखना, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 43 दिया गया, तो प्रैक्टिस सेट 43 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप घर पे करना। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पेरीमीटर एंड एरिया पे, पेरीमीटर एंड एरिया पे। सर्कल वाले टॉपिक में अगर किसी को कुछ इशू है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू चैप्टर नंबर, लेसन नंबर 12, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। सर्कल में किसी को कुछ पूछना भी है क्या? यस, ओके, तो हम प्रोसीड करते हैं दूसरे वाले टॉपिक जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो हम इस पेरीमीटर एंड एरिया में हमने क्या पढ़ा, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ, पेरीमीटर एंड एरिया में हमने क्या सब पढ़ा, सॉरी, यस, पेरीमीटर एंड एरिया। सो दिस इज चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, ये क्या है आपका, पेरीमीटर, पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया, दिस टॉपिक इज पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे, देन हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पेरीमीटर में हमें कौन क्या के इस पेरीमीटर में हमें किस किस चीज के पेरीमीटर पढ़ने हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ओके, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। ओके इसी तरह एरिया भी हमें पढ़ने, रेक्टेंगल स्क्वायर और ट्रायंगल के बारे में। तो पेरीमीटर क्या होती है, लेट अस सपोज ये आप एक सुबह पार्क में घूमने जाते हो, पार्क में आप टहलने जाते हो, तो आपने क्या किया, यहाँ इस पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, और एक कंप्लीट रोटेशन लगा के फिर वापस इस पॉइंट पे आया, तो आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पेरीमीटर, उसे हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। ओके, और जैसे ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो शेडेड रीजन में हैचिंग कर रहा हूं, इसे आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एज एरिया, दिस इज कॉल्ड एज एरिया। तो एरिया और पेरीमीटर आप कैसे समझो, जैसे ये वाला बॉक्स थोड़ा छोटा है और ये वाला बॉक्स बड़ा है, तो मतलब छोटे और बड़े का मतलब क्या है, इसके अंदर का जो हैचिंग पार्ट है और इसके अंदर का जो हैचिंग पार्ट है, मीन्स सेकेंड का क्या है, सेकेंड का ग्रेटर देन ए है। ओके, तो ये जो अंदर का जो हैचिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एरिया। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, और पेरीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो मैं इसे इरेज करता हूं, तो यहां पे सबसे पहले मैं बनाता हूं एक रेक्टेंगल का पिक्चर। सो दिस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, दिस रेक्टेंगल इज ए बी सी एंड डी। सो द लेंथ ऑफ ए बी इज एल, द लेंथ ऑफ बी सी इज बी, द लेंथ ऑफ सी डी इज एल
एंड द लेंथ ऑफ डी ए इज ऑल्सो बी। सो यहाँ पे एक मिनट, दूसरे कलर का मैं यूज करता हूँ। द लेंथ ऑफ ए बी इज एल, द लेंथ ऑफ बी सी इज बी, बी इज ब्रेथ, सी डी इज एल एंड डी ए इज अगेन बी। सो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होती थी 2 into L plus B, 2 into L plus B, ये आप लिख लीजिएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती थी? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती थी? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्या है हमारा, किसके केस में है? ये हमारा रेक्टेंगल के केस में है। किसके केस में है? रेक्टेंगल। ये किसके केस में है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए। तो यहाँ पे आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर एक रेक्टेंगल का लेंथ 5 दिया गया है और ब्रेथ 2 दिया गया है, तो आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। पी को मैं पेरीमीटर से लिखा हूँ और एरिया को मैं ए से लिखा हूँ। ओके, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 यूनिट एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 यूनिट, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, फटाफट सॉल्व करके आप आंसर चैट बॉक्स में लिखें। ओके, अब मैं बनाता हूँ, फिर आप सभी लोग मैच कर लेना कि किनका किनका आंसर सही है। देर आर 6, 6, 4, 6, 20, पी इज इक्वल टू 14, आई थिंक 4 सेंटीमीटर, पी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। निधि, यहाँ पे आपने पी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे हैं, तो यहाँ पे पेरीमीटर में क्या होती है? स्क्वायर नहीं होती है, एरिया में स्क्वायर होती है। ओके, यस, हाँ, ऑल हैव डिफरेंट आंसर्स। सो मैं अभी आपको बताता हूँ आपके आंसर्स क्या आने चाहिए, करेक्ट आंसर आने चाहिए थे, क्योंकि ये अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो आपके आंसर्स क्या आने चाहिए? करेक्ट आंसर्स आने चाहिए। सो अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, पेरीमीटर हमें फाइंड करने हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होती है? 2 into length plus breadth। सो 2 into length is what? Length is 5। लेंथ क्या है? 5। सो लेंथ की जगह पे हम 5 लिखेंगे, प्लस व्हाट इज द ब्रेथ? ब्रेथ इज 2, यहाँ पे 2। सो 2 into 5 plus 2 is 7, दैट इज 14 सेंटीमीटर इज द पैरामीटर। 14 सेंटीमीटर इज द पैरामीटर। हमने क्या किया? P इज इक्वल टू 2 into L plus B इज इक्वल टू 2 into 5 plus 2, 5 plus 2 is 7, 2 रिमेन एज इट इज, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन के तौर पे यहाँ पे लिखा जाएगा, एंड 7 to the 14 सेंटीमीटर। ओके, सो द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर। अब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होती है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो वाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ? लेंथ इज 5 एंड ब्रेथ इज वॉट? ब्रेथ इज 2। सो 5 to the 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर लिखा और ये 5 सेंटीमीटर। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ,
द वैल्यू ऑफ लेंथ इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ ब्रेथ इज 2, 5 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे हमें पेरीमीटर की वैल्यू 14 निकली और एरिया की वैल्यू क्या निकली, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर आपका, हाँ एक आंसर यहाँ पे P = 14 आया है, दैट इज राइट आंसर. ओके, सो सभी लोगों ने ट्राई किया, वेल ट्राइड, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यस, सो हाँ यस ओके हाँ, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 14 एंड एरिया इज 10 सेंटीमीटर. ओके, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप घर पे और प्रैक्टिस करना, बिकॉज इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन. अब हम चलते हैं, ये हमने रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर जाना, अब हम चलते हैं स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर के बारे में. तो स्क्वायर क्या होती है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल होती है. तो मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, स्क्वायर वो होती है जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल होती है. सो हेयर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. सो इन स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो सभी साइड्स इक्वल होती है. तो ए बी को मैं ए लिखा, बी सी को भी ए लिखा, सी डी को भी मैं क्या लिखा, सी डी को भी ए लिखा, एंड डी ए को भी क्या लिखा, ए. सो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एरिया ऑफ स्क्वायर इज, पहले पेरीमीटर हम जानेंगे कि पेरीमीटर क्या होती है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर को मैं पी से डिनोट करता हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 × a. ओके, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर. सो ये किसका केस है, दिस इज द केस ऑफ स्क्वायर, दिस इज केस ऑफ स्क्वायर, दिस इज केस ऑफ स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर. स्क्वायर में क्या होती है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर में आप, स्क्वायर जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, अगर इफ ए इज इक्वल टू 5 meter, then find perimeter and area. अगर a इज इक्वल टू 5 meter दिया गया है, तो वाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड वाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर. सो आपके पास 90 seconds का टाइम है, सभी लोग आप लोग ट्राई करिए, अगर आंसर गलत भी आए तो कोई इशू नहीं है, फिर मैं बताऊंगा. फटाफट आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर चैट बॉक्स में लिखें. यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिया गया, फॉर्मूला भी लिखा गया, सिर्फ आपको फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन करने हैं. तो इसमें मैं अपेक्षा करूंगा कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए. लगता है अभी आंसर आया है. ओके, 2025. ओके यस, तो यहाँ पे ढेर सारे आंसर्स आए हैं. तो अब मैं भी बनाता हूँ. पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होती है, 4 × a. सो 4 इज कॉन्स्टेंट एंड a इज व्हाट, a इज 5. तो 4 × 5 that is equal to 20 meter, that is equal to 20 meter. okay, and area is equal to kya hoti hai, area is equal to kya hoti hai, a square, area is equal to kya hoti hai, a square. to yahan pe kya hogi, 5 square that is equal to 25 meter square. okay, so the area of a square is 25 meter square.
ओके सो यहाँ पे मैं आपका आंसर्स देख रहा हूं कि कितने लोगों का 20 सेंटीमीटर राइट आंसर 20 पी इज इक्वल टू 20 एरिया इज इक्वल टू 25 वेरी गुड एरिया इज इक्वल टू 25। सो लगभग सभी लोगों ने आंसर्स किए पेरीमीटर के आंसर्स सभी लोगों ने जितने लोगों ने किया सभी लोगों का आंसर करेक्ट है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 20। यहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ पे मैं यूनिट जो लिखा हूँ यहाँ पे 5 मीटर दिया था। ओके एक मिनट। हाँ यहाँ पे जो मैं यूनिट लिखा हूँ दिस इज 5 मीटर दिस इज 5 मीटर। तो आपको जो आंसर्स करने थे तो आपको आंसर्स भी क्या में करने थे आपको मीटर में लिखने थे। ओके बट आपने चैट बॉक्स में क्या लिखे सेंटीमीटर। तो आप एग्जाम्स में ये बात का ख्याल रखोगे कि कहाँ पर सेंटीमीटर लिखने हैं और कहाँ पे मीटर लिखने हैं। अगर क्वेश्चन में अगर मीटर दिया गया है तो आप आपका सारा क्या होगा मीटर में ही होगा। अगर क्वेश्चन में मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिए गए हैं अगर हम इस केस में चलते हैं जहाँ पे एक क्वांटिटी जैसे लेंथ मीटर में दी गई है और ब्रेथ अगर सेंटीमीटर में दी गई है तो आपको दोनों को एक क्वांटिटी में लाने होंगे। मींस मीटर को या तो आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे या सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे। ओके तो यहाँ पे हमारा अब खत्म हो गया एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब हम आगे चलते हैं आपके बुक पे चलते हैं। सो इट विल 20 मीटर स्क्वायर। नो देखिए मैं आपको बताता हूं ये चीज आप याद रखोगे पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होती है 4 इंटू ए 4 इंटू ए। सो 4 द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट 5 सेंटीमीटर सॉरी द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट 5 मीटर। सो 4 5 जा 20 सेंटीमीटर 20 मीटर। अब मैं एरिया निकालता हूँ एरिया इज इक्वल टू क्या था एरिया इज इक्वल टू था ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर को आप क्या लिखोगे ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए इंटू ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए इंटू ए। सो द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट द वैल्यू ऑफ ए इज 5 मीटर इंटू 5 मीटर। सो इफ यू मल्टीप्लाई 5 एंड 5 इट विल इक्वल टू 25 एंड इफ यू मल्टीप्लाई मीटर एंड मीटर इट विल बिकम मीटर स्क्वायर इट विल बिकम मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको पेरीमीटर के केस में सिर्फ मीटर आएगी और एरिया के केस में आपको मीटर स्क्वायर आएगी। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस यूनिट। ओके तो पेरीमीटर के केस में हमेशा आप ये मीटर आएगी या अगर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर आएगा और एरिया के केस में यहाँ पे ये स्क्वायर होगा। ओके तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। हाँ अगर आप ये चीज अभी नहीं समझ पाए हैं तो आप घर पे और भी क्वेश्चंस का ट्राई करना। ओके आप समझ जाओगे या इंडेसेस वाला टॉपिक आप पढ़े होंगे तो वो भी एक बार देख लेना। अब हम आगे चलते हैं। हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल ये मैंने जो क्लास होती थी इससे पहले उसमें हमने काफी लंबा डिस्कशन हुआ था 20-30 मिनट्स का अप्रॉक्स। तो ये क्वेश्चन आप वहां से उस वीडियो में देख लेना। अभी रिवीजन क्लास में ये क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ओके ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में इस सब तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ये भी एग्जाम्पल आप देख लेना। कोई एक एग्जाम्पल मुझे याद है मैं डिस्कस किया था आप लोगों से। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल की एरिया क्या होती है। ओके अब हम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल देखेंगे। एक मिनट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल अब हम देखेंगे राइट एंगल ट्रेंगल की एरिया क्या होती है। तो इसके लिए हम स्क्वायर को अगर आप दो भाग में अगर डायगोनली स्प्लिट करोगे इफ यू स्प्लिट अ स्क्वायर इनटू टू पार्ट ये हमारा क्या दिस इज अ स्क्वायर ये क्या है एक स्क्वायर है। ओके तो इस स्क्वायर को मैंने क्या किया इस स्क्वायर को मैंने
इस स्क्वायर को मैंने स्प्लिट किया, इस स्क्वायर को मैंने क्या किया, एक मिनट, हाँ, इस स्क्वायर को मैंने टू पार्ट में स्प्लिट किया, इस स्क्वायर को मैंने क्या किया, डायगनली टू पार्ट में स्प्लिट किया, तो हमें क्या मिलेगी, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। हाँ, तो मैं आधे वाले इस पार्ट को अगर लिया, अगर हम इस पार्ट को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इस पार्ट को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। तो ये क्या है, दिस इज ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल, ओके, दिस इज ट्राइंगल, और सिंस दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रेंगल, सो दिस इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रेंगल, ओके। चूंकि यहाँ इसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो अगर किसी भी ट्रायंगल की एक एंगल 90 डिग्री की होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो ये क्या है, दिस इज अ स्क्वायर, सो द साइड लेंथ इज ए ए एंड ए, ओके। या अगर ये अगर हम अगर हम रेक्टेंगल मान ले तो ये क्या हो गया, अगर हम इसका लेंथ अगर P मान ले, इसका हम Q मान ले, तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती थी, P इंटू क्यू, ओके। बट हमने क्या किया, यहाँ पे इसे हमने ट्राइंगल माना, तो ट्राइंगल में इसे हमने आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, सो द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विल बी P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टू, P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टू, दिस इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं आपको नेक्स्ट ड्रॉइंग पे दिखा के यहाँ पे आपको बता देता हूँ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। लेट अस सपोज दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, ओके। सो द एरिया क्या हो जाएगी, इस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू क्यू। तो यहाँ पे हम पी और क्यू को इरेज करके पी को मैं लिखता हूँ बेस, पी कैन बी रिटन एज दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, so the area of right angle triangle is half into base into height, area of this right angle triangle is half into base into height। so agar aapse question pucha jaye this is a right angle triangle, this is a right angle triangle, okay, and the base is 5 and the height is 8, so you have to find the area, तो आप क्या करोगे, area is equal to लिखोगे half base into height, so half base is what, base is 5 and h is 8, okay, so after solving 2 4 is 8 and 5 4 is 20, अगर ये meter में है और ये भी meter में है, so it will 20 मीटर स्क्वायर बिट बिकॉज इट इज एरिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मीन्स ये बेसिक सा क्वेश्चन हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हमें यस हाफ बेस इनटू हाइट दैट इज 20 मीटर स्क्वायर, वेरी गुड, क्विक आंसर, वेरी गुड। हाँ, तो ये हमारा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसके अलावा हम सरफेस एरिया पढ़ते थे, तो यहाँ पे क्यूबॉइड क्या होती है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है उसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं। तो क्यूबॉइड की क्या होती थी, क्यूबॉइड की सरफेस एरिया क्या होती थी, 2 into LB plus BH plus LH, L इज लेंथ, B इज ब्रेथ, S इज हाइट एंड L इज लेंथ, ओके। तो क्यूब की इसी तरह क्यूब की क्या होती है, क्यूब की टोटल सर्फेस एरिया क्या होती है, 6 into L square, ओके। तो ये क्यूब और क्यूबॉइड पे आप कुछ क्वेश्चंस करिएगा। ये क्यूब और क्यूबॉइड को मैं आपको इस तरीके से बताया कि जैसे आप किसी रूम में बैठे हुए हो तो आपको क्या दिखती है, आपको अगर आप रूम में बैठे हुए हो तो आपको देयर आर फोर वॉल्स, चार दीवार आपको दिखती है और एक रूफ और एक फ्लोर जहां पे आप चेयर लगा के बैठे हुए हो। सो हाउ मेनी सर्फेस आर देयर, देयर आर 6 सर्फेस, ओके। तो आप इस तरीके से क्यूब और क्यूबॉइड को
एज्यूम कर सकते हो. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर. तो ये क्यूब और क्यूबॉइड का आपका ये क्वेश्चन है. ओके तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एज गिवन बिलो. जैसे यहाँ पे क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया गया है तो आप इसे इस फॉर्मूला पे पुट करोगे एल इंटू बी टू इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल. जहाँ पे एल आती है वहाँ पे एल का वैल्यू दोगे, जहाँ पे बी आती है वहाँ पे वी का वैल्यू दोगे और जहाँ जहाँ पे एच है वहाँ पे आप एच का वैल्यू दोगे और कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या आ जाएगा ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. तो मेरे ख्याल से हमने इस प्रैक्टिस सेट 47 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने घर पे बनाना, नहीं बनेगा तो मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा. ओके सो प्रैक्टिस सेट 47 का क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने घर पे ट्राई करना. सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 जो था पेरीमीटर एंड एरिया ये हमारा खत्म होता है. अब हम देखेंगे पैथागोरस थ्योरम के बारे में. पैथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 13 पैथागोरस थ्योरम. तो इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ. चैप्टर नंबर 13 दैट इज पैथागोरस थ्योरम. चैप्टर नंबर 13 अभी हम देखने वाले हैं, 13 का रिवीजन करने वाले हैं जो कि है पैथागोरस थ्योरम. चैप्टर नंबर 13 ये क्या है पैथागोरस थ्योरम. तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं जो कि अभी हमने राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में जस्ट अभी हमने पढ़ा. तो इसके लिए मैं आपको क्या सब बताया था आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि ये एक ट्रायंगल है. तो ट्रायंगल का ये बॉटम का पार्ट को हम क्या बोलते थे, इस पार्ट को हम क्या बोलते थे बेस, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते थे हाइपोटेनस. हाइपोटेनस इस पार्ट को हम हाइपोटेनस बोलते थे और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते थे परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ओके दिस पार्ट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर PERPENDICULAR. सो ये दिस पार्ट इज हाइपोटेनस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एच, बेस इज डिनोटेड बाय स्मॉल बी एंड परपेंडिकुलर दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी. परपेंडिकुलर इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी. ओके परपेंडिकुलर इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी. तो यहाँ पे अगर मैं इस ट्राइंगल को अगर मैं कुछ नाम दूँ ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू बी डैट इज बेस, बी सी इज इक्वल टू हाइपोटेनस डैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एच एंड सी ए इज वॉट सी ए इज स्मॉल पी डैट इज परपेंडिकुलर लेंथ मीन्स हाइट. तो परपेंडिकुलर क्या होती है, यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री बनती है उसे हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये वाला क्या हो गया बेस हो गया. तो जैसे मैं आपको उदाहरण दिया था कि आप जैसे अपना हाइट मेजर करवाते हो तो आप सीधे खड़े होते हो, यहाँ पे आप बेस पे खड़े होते हो और यहाँ पे आप कौन से डायरेक्शन में आपकी हाइट मेजर होती है अपवार्ड डायरेक्शन में होती है. तो लेटर सपोज आपकी हाइट कुछ ये हुई तो इस हाइट से लेटर सपोज मैं कुछ ये एक नीचे गिरा दिया तो ये जो बनी ये हमारी क्या है दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये बेस हो गई, ये क्या हो गई आपकी हाइट हो गई और ये क्या हो गई जो स्लेंट वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस. इसे हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस. हाइट को हम क्या बोलते हैं हाइट को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं डेट इज डिनोटेड बाय पी. तो इस राइट एंगल ट्रेंगल में पैथागोरस साहब ने एक अपना थ्योरम दिए थे कि इस केस में क्या होते हैं लेट अस सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज अ एक मिनट में अच्छा सा ड्राइंग बनाता हूं. दिस इज अ दिस इज द राइट हाँ एक में राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ. यस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके
ये क्या है, ये लगभग आप एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लो, मीन्स दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ओके। सो ए बी इज बेस, सो इट इज डिनोटेड बाय बी, बी सी इज हाइपोटेनस, सो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एच, एंड ए सी इज परपेंडिकुलर हाइट, सो इट इज डिनोटेड बाय पी। तो पैथागोरस जी ने बोला कि इन्होंने एक अपना थ्योरम दिया कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज पैथागोरस थ्योरम, दिस इज कॉल्ड एज पैथागोरस थ्योरम। This is called as Pythagoras theorem. Height square is equal to p square plus b square is called as Pythagoras theorem. तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जैसे this is a triangle A B and C, this is a triangle A B and C, and यहाँ पे हमें B का value पता है, P का value पता है, और S का value हमें पता नहीं है। Means this is a equation because यहाँ पे equal का sign है, so we know the value of H. अगर हम वैल्यू ऑफ पी, पी और बी का वैल्यू जानते हैं तो इस इक्वेशंस की मदद से हम एच का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं अभी के अभी पैथागोरस थ्योरम पे, पैथागोरस थ्योरम पे आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूं बनाने के लिए, पैथागोरस थ्योरम पे आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए। सो दिस इज अ ट्राइंगल ए बी एंड सी, दिस इज ट्राइंगल A, B and C, okay. So the length of AB is, the length of AB is 3 centimeter, the length of AC is 4 centimeter, okay. And this is right angled at point A, ये क्या है 90 degree. So you have to find BC. तो आपको क्या find करना है, BC की value आपको find करनी है। तो मैं आपको छोटा सा hint देता हूँ, A is equal to, this is called as base, this is called as perpendicular height, and हमें find क्या करने है, हमें find क्या करने है, h find करने है। तो आपको मैं 2 मिनट का time देता हूँ आपकी मदद के लिए, मैं यहाँ पे formula भी लिख देता हूँ कि h square is equal to क्या होती है, p square plus b square, p square plus b square। तो आपको 1 मिनट का time है, और आपको बताने हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, का आंसर क्या होगा। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, ट्वेंटी फाइव इज रॉन्ग आंसर। वेल ट्राई, थोड़ा सा आपने मिस्टेक की है, इसलिए आपके आंसर्स क्या आ गए, आपके आंसर्स क्या आ गए 25। सो द पी स्क्वायर इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ पी इज 4, सो यहां पे आप क्या लिखोगे 4 स्क्वायर, प्लस द वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ बी इज 3, सो इट इज 3 स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर इज 16 एंड 3 स्क्वायर इज 9, सो 16 प्लस 9 इज 25। तो यहां पे जो हमारा 25 आया, ये 25 क्या है, h square is equal to 25 है, ये क्या है, h square is equal to 25 है, but यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप h square देख रहे हो, but हमें क्या find करनी है, हमें h की value find करनी है, okay, so we have to remove this square, तो how we remove the square, इसके लिए हम क्या करेंगे, 25 can be written as 5 square, 25 can be written as 5 square, okay, and this square and this square will cancel, so the value of h will finally come, h is equal to 5 centimeter, h is equal to 5 centimeter. अगर आप ये प्रोसेस नहीं समझे तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हमें क्या आया था, हमें h square is equal to क्या आई थी, h square is equal to 25 आई थी, so it can be written as h square is equal to 5 square, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो h into h is equal to 5 into 5, और अगर हम कंपेयर करेंगे तो
इस एच की वैल्यू भी 5 होगी और इस एच की वैल्यू भी 5 होगी, तो फाइनली एच क्या हो जाएगी, एच इज इक्वल टू 5। और हम दूसरे जो विधि है, दूसरा जो तरीका है, तो यहाँ पे दिस एच स्क्वायर एंड दिस एच स्क्वायर विल बी कैंसल एंड द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया तो हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। ओके, तो ये कैसे ये इंडिसेस ये काम करती है ये आपको जानना होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड क्लियरली, यस आई विल। सो एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। सो द वैल्यू ऑफ ए बी इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ ए बी इज 6 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ ए सी इज, सॉरी, द वैल्यू ऑफ ए सी इज 8 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द सी बी, यू हैव टू फाइंड द सी बी, सी बी इज इक्वल टू व्हाट। एक एक मिनट का टाइम है, 1.5 मिनट का टाइम देता हूं, 90 सेकेंड्स का। फटाफट आप आंसर फाइंड करके चैट बॉक्स में आंसर्स आप अपना लिखे। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, दिस इज 8, दिस इज 8, थोड़ा सा मैं उधर लिख दिया, दिस इज 8 सेंटीमीटर। ए सी इज 8 सेंटीमीटर। मैं यहां पे लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ ए सी इज 8 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ ए बी इज 6 सेंटीमीटर। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बी, सी बी की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बी। यस, 10 सेंटीमीटर इज, आई थिंक इट इज राइट आंसर। ओके ओके, इट इज 8:57 PM, तो मैं ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ रहा है, सो आई थिंक इट इज राइट आंसर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, 6 सेंटीमीटर इज व्हाट, दिस इज बेस, एंड 8 सेंटीमीटर दिस इज परपेंडिकुलर हाई, ओके स्मॉल बी। एंड यू हैव टू फाइंड द एच, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो पी स्क्वायर इज, पी इज 8, सो 8 स्क्वायर प्लस बी इज 6, सो 6 स्क्वायर, सो 8 स्क्वायर इज 64 एंड 6 स्क्वायर इज 36 एंड इट इज इक्वल टू 100। सो 100 इज व्हाट, 100 इज वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो हम इसे हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, फिर हम इंडिसेस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 100। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज एच स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर विल कैंसल, तो द वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ एच इज 10 सेंटीमीटर। ओके, सो द वैल्यू ऑफ एच इज 10 सेंटीमीटर, सो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। सो इसी के साथ हमारा ये पैथागोरस थ्योरम में, हमें सिर्फ ये पैथागोरस थ्योरम ही पढ़ने थे। आप प्रैक्टिस से 48 और 49 के कुछ क्वेश्चंस देख लेना, और अगले क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 का रिवीजन करेंगे। अगर बीच में अगर आपका टेस्ट का स्केड्यूल होगा तो आपको वो ग्रुप के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। सो नाउ यू कैन लेफ्ट द क्लास, आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। यस, थैंक यू, थैंक यू, यस बाय सर, थैंक यू सर। यस, बाय बाय।
बाय, गुड नाइट। बत्तियां बुझा दो।